दोस्तों, यह रहा एल ईयरिंग का पौधा। हम इसे ज़मीन से निकाल चुके हैं, तो ये एल ईयरिंग से तैयार करता हुआ पौधा है। तो देखते हैं ये कितना मजबूत है, इसके रूट। तो ये बीज से तैयार करता हुआ पौधा, इसे भी ज़मीन से निकाल देंगे कुछ इस तरह से। तो दोनों में फर्क ये है कि जो पौधा सीड से तैयार करते हैं और ज़्यादा मजबूत रहता है, जो एल ईयरिंग से उसका कोई ज़्यादा चांस नहीं है, कभी मर सकता है। दोस्तों, अगर दोनों की बात की जाए तो जो सीड से तैयार किया पौधा बहुत ही रिसर्च के माने बहुत ही लंबे वर्ष तक चल सकता है। तो ये लेमन का एलियरिंग वाला प्लांट है, आप देख सकते हैं, जिसके रूट साइड में चले जाते हैं। तो ये सीड से तैयार कर दो पौधा है और सीधा इसके रूट ज़मीन में चले जाते हैं। तो पेड़ इसके पत्तियों को रिमूव करते हैं, तो ये इनकी पेड़ नए ब्रांचेस निकलेंगे। दोस्तों, ये दोनों पेड़ से ज़िंदा होंगे क्योंकि इसे पेड़ वापस लगाएंगे। तो इसे इस तरह से रिपोल्यूशन कीजिए, तो इसे वाटर में डाल लीजिए, फिर दोनों को वापस ज़मीन में गाड़ देंगे, दोनों के नए ब्रांचेस निकलेंगे। अगर मजबूती की बात की जाए तो दोनों में सीड से पौधा हुआ ज़्यादा मजबूत होता है।